मौसम विभाग ने आज से लेकर 15 मई तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में आसमानी बिजली कड़कने के साथ ही रुक रुक कर आंधी और बारिश होने की आशंका जाहिर की है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए 12 मई और 13 मई को आंधी और पानी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने 12 मई से लेकर 16 मई तक तेज हवाओं के बीच बारिश होने की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में एक के बाद एक तीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपना असर दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में मौसम पूरी तरीके से बदल जाएगा और आज से ही पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी और कई जगहों पर हल्की बारिश शुरू होगी। इसके साथ ही तेज हवाओं के थपेड़ों से लोगों को दोचार होना पड़ेगा। साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि मौसम की करवट में एक खतरा भी छुपा हुआ है, जो कि आसमानी बिजली है। इसलिए भारतवासियों को सतर्क रहना होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल punjabkesari.com को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पल पल की खबरों का अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।